हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं जिस ड्राइंग की, वो है एक फैन फैन के ब्लेड की है। तो फैन का ब्लेड जो होता है इस तरह से कुछ होता है, तो किसी का फैन ब्लेड का ड्राइंग है, तो उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे आज। तो वही सबसे पहले यूनिट सेट कर लेते हैं। तो जब भी आप फैन ब्लेड्स वगैरह इस तरह की मैकेनिकल चीज़ होती है, तो ज़्यादातर मिलीमीटर में बनती है, तो इसलिए हमने मिलीमीटर सेट करते हैं। लिमिट जो मैं सेट करने जा रहा हूँ, अंदाजे से सेट कर रहा हूँ, तो 100 to 160 to 350 में मेंशन कर रहा हूँ। तो वही जो आउट करते हैं, मेरे लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं जो इसे बनाऊंगा, इसे सेंटर से बना रहा हूँ। जो सेंटर का इसका डाया है वो 40 का है, एंड देन अदर इज 72। उसके बाद इधर एक लाइन है जो कि 45 डिग्री पर, और जो यहाँ पर फ्लिट यूज़ किया गया या सर्कल यूज़ किया गया है 2 पॉइंट का, 40 आर का बनाया गया है। तो मैं अब जैसे हमने फ्लिट यूज़ कर लिया है, सीख लिया है, तो अब मैं इसे फ्लिट से बनाऊंगा, इसे 2 पॉइंट से नहीं बनाने वाला हूँ। तो ये फ्लिट से बनेगा, तो 15 डिग्री के एंगल पे ये बन रहा है। उसका 60 डिग्री का यहाँ पे एक सर्कल है, देन यहाँ पे इसका सर सेंटर पॉइंट दे रखा है, तो हम इसके सेंटर पॉइंट से सब बनाएंगे। फिर हम जो भी हमें काटना फ्लिट ट्रिम करना होगा बाद में देखेंगे। फिर एक ये है 100 का, सब बनाएंगे। फिर यहाँ पे 40 का, फिर जब ये पूरा बन जाएगा तो हम रोटेट कर लेंगे 120 डिग्री के एंगल पे, ताकि पूरा बन जाए हमारा। तो चल दो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल विटाया 40, अगेन एक सर्कल विड आया 72। तो हमारा सेंटर का ये बन चुका है। अब लाइन ले लेते हैं हम, तो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की, इसे मैं 200 यूनिट ऊपर ले रहा हूँ। आप कितना भी ले सकते हो, मैं इसे अंदाजे से ले रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता है कि सही जाए क्या गलत, ये हो सकता है कि हमें चेंज भी करनी पड़े। देन अनदर इज में से ठीक 300 ले रहा हूँ। टैब ये कहता है 15 डिग्री है, तो 90 माइनस 15 करेंगे हम, तो 75 डिग्री का यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे फ्लिट का यूज़ कर लेते हैं अभी। फ्लिट रेडियस 40 डिग्री, 40 रेडियस, तो यहाँ और यहाँ पे 40 का, तो हमने से कर दिया। देन सर्कल, तो हम पहला सर्कल बनाने जा रहे हैं जो कि है 152 में, और इसका रेडियस है 100। सेकंड सर्कल एक और पे पाथ ट्रेस करने वाले हम, और 192 रेडियस 60, हमारे दोनों बन गए। जैसे मैंने कहा था ये अंदाज ले रहा, तो इसलिए मैच ज्वाइन नहीं हुई है, फाइनली ज्वाइन हो गई। अब जो ट्रिम करने का पोर्शन है वो कर लेते हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अगेन फिट यहाँ पे भी 40 का है, तो 40 ऑलरेडी हमने एंटर कर रखा है, तो 40 का ही हमारा फिट बन गया है। तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखा मुझे, पर एक बार एंगल चेक कर लेता हूँ मैं। तो एंगल एंगल इस 15 डिग्री ऑलरेडी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है लुक वाइज वो छोटा इमेज है, हमारी बड़ी इमेज है, तो डिफरेंस दिख रहा है। तो इसको मैं अब रोटेट कर लेता हूँ, या तो मैं इसे सारा बनाऊँ या फिर से डायरेक्ट रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट सेंटर कॉपी
द एंगल 120, अगेन इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए था। अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं जैसे जे फोर ज्वाइन होता है, तो अगर हम इसे पिक करेंगे तो इतने सारे पॉइंट पिक नहीं करने पड़ेंगे, एक सिंगल यूनिट से हम इसे पिक कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो ज्वाइन, लेकिन कई बार हम ज्वाइन इसलिए भी नहीं करते हैं जब तक हमें ये ना बताओ कि हम इस पूरे उसको एज इट इज रखने वाले हैं, वरना अगर आपने एक बार से ज्वाइन कर लिया तो आप इसे तोड़ नहीं सकते हो। इसलिए ज्वाइन तभी करें जब आपकी इमेज पूरी बन चुकी हो या आपको उस चीज़ में कभी भी एडिटिंग नहीं करनी है। तो रोटेट फॉर कॉपी और प्लस स्पेस वाला सेंटर पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर स्पेस वाला सेंटर पॉइंट, देन एंगल पहले कॉपी 120 डिग्री। तो ये हमारा फैन का ब्लेड्स बन चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कुछ दूसरी किसी और ड्राइंग के साथ।